हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के आलू, 2 लोगों के लिए। हमने इसलिए 2 आलू लिए हैं। लहसुन, अदरक, 1 लाल मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक। तो चलिए बनाते हैं। हमने एक बाउल में पानी डालना है। अब इसमें आलू को डालेंगे उबलने के लिए। इस तरह से आलू को उबाल करके सब्ज़ी बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो भी निकल जाता है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, इससे आलू का टेस्ट नमकीन आने लगता है, अंदर तक नमक चला जाता है। अब इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए। जब आलू पक जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम तब तक मसाले तैयार करते हैं। हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। हम इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें इसे दरदरा ही कूटना है, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बन करके रेडी हो गया है, इस तरह से हमारा पेस्ट बन गया। अब हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। आप चाहें तो उसे घिस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्यूरी बना कर ले आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्यूरी बन करके तैयार है। मैंने बर्तन में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, क्योंकि रेसिपी में सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसके लिए थोड़ा ही तेल डाला है। अब देखते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें से इस तरह से पता चल जाता है हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। मिर्च को अच्छे से लाल हो जाने दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा और सौंधा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। जब भी सब्ज़ी बनाए तो उसमें इस तरह से लाल करके मिर्च ज़रूर डालिए। और मिर्च लाल हो जाएगी तो हम इसमें जीरा डालेंगे। हमारा जीरा भी भुन चुका है, इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाल होने तक भुनेंगे। इससे सभी मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी में एकदम मिक्स हो जाता है। अब हम देखिए, हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर हम इसे पहले डाल देते पेस्ट तो हमारा लहसुन जल जाता, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बेकार आता है, इसलिए हमने सबसे आखिर में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी और मिर्च पाउडर डालूंगी। इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। हमारे मसाले भून कर तैयार हो गए। अब इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये अच्छे से भूनना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर का पानी सूख ना जाए और मसालों से तेल बाहर ना निकलने लगे। हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है, मसाला जल सकता है। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ी देर और हमें भूनना पड़ेगा। हमारा मसाला लगभग भुनने वाला है। भून करके तैयार हो गया है। देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब मसाला भून करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। ये हमारे उबले हुए आलू तैयार हो गए, एकदम रेडी हैं। हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नमक डालूंगी। ये देखिए, मसालों में आलू पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
आपको जितना रसा पसंद है आप उतना ही पानी डालिए। अगर आपको थोड़ा सूखा पसंद है तो पानी कम डालिए, और अगर आपको केला ज़्यादा पसंद है तो रसा पानी ज़्यादा डालिए। देखिए तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इसे धनिए से गार्निशिंग करेंगे। हरा धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हमें हरा धनिया बाद में डालते हैं वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। मैंने इसे चावल के साथ सर्व करा है, आप इसे पराठे और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।